परिशन पर्व का कल से प्रारंभ है और उसके पूर्व अपने को नौ कषाय की बात पूरी करनी है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा एक ही बचाव अपना है, जिसकी बहुत कम चर्चा करते हैं हम लोग। शोक की चर्चा हो जाती है, भय की चर्चा हो जाती है, रति अरति की चर्चा हो जाती है, लेकिन जुगुप्सा की चर्चा अपन बहुत कम करते हैं। एक कहानी उत्तराध्ययन सत्र की आपको याद आ जाए, हरे केशी जुगुप्सा का परिणाम कोई है तो हरे केशी। पिछले जन्म में दीक्षा लेने के बावजूद गंदे कपड़ों को देख करके, मलिनता को देख करके मन में जुगुप्सा का भाव। एक दिन कहानी आपको याद आती हो तो सारा चरित्र आपको जुगुप्सा का याद आ जाना चाहिए, और जुगुप्सा का चरित्र यदि याद आ गया तो अपने स्वयं की क्यों ये नौकशा की चर्चा आज एक नए आयाम के साथ कि धर्म ध्यान का एक आलंबन है, धर्म ध्यान का एक विभाग है, आज्ञा विचय अपाय विचय, कि जो मेरे जीवन में आया उसका मूल कारण क्या है, जो समस्या मेरे जीवन में आई है, जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका मूल कहां पर है। प्राप्ति पर अपन चर्चा कर लेते हैं लेकिन प्राप्ति का मूल कारण नहीं खोजते हैं। दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, कुरूप प्राप्त हुआ, उसका कारण कहां पर जाकर के मिलता है तो बड़ा छोटा सा कारण मिलता है, बड़ा विचित्र कारण मिलता है। जिसकी आप घृणा करोगे वो लौट करके आपके पास आ जाएगा। वाक्य सुन रहे हो या पी रहे हो, जिसकी आप घृणा करोगे वो लौट करके आपके पास आ जाएगा। अभी तक हमने इतना ही जाना कि जिसको हम इनवाइट करेंगे वो हमारे पास आएगा, लेकिन इनवाइट करने के दो रास्ते हैं। एक प्रेम से इनविटेशन जाता है, एक नफरत से इनविटेशन जाता है, और नफरत से जो इनविटेशन जाता है उसको घृणा कहते हैं, जुगुप्सा, तिरस्कार। श्री कृष्ण वासुदेव की कहानी आप जानते हो, ये भी हम जानते कि वासुदेव ने वासुदेव रहते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, और उसके मूल कारणों में बीज रूप किसी बात की चर्चा चलती थी। एक बात की चर्चा चलती है कि वासुदेव घृणा मुक्त थे, वो घृणा नहीं करते थे, और इतना उत्कुट रूप था उनका घृणा नहीं करना। अपन भी शायद नॉर्मली घृणा नहीं करते, घृणा का मौका मिले तो घृणा करते। लेकिन घृणा का कितना ही मौका मिले, घृणा की कितनी परिस्थिति रहे, घृणा की कितनी सिचुएशन रहे, जिन परिस्थितियों में दूसरे लोग घृणा करते हैं, नेचुरल करते हैं, मैक्सिमम करते हैं, उन परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण वासुदेव घृणा नहीं करते थे। और कोई बात नॉर्मल होती तो चर्चा नहीं होती, कोई बात एक्सट्रीम होती तब चर्चा होती है। जब आप एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचोगे तभी चर्चा शुरू होगी, उसके पहले चर्चा शुरू नहीं होती है, चाहे धरती पर हो कि चाहे देवलोक में हो।
कोई सुपर की चर्चा करता है, पास वाले की कौन चर्चा करता है? और परिश्रम पर्व सुपर बनने की यात्रा है। पास तो होते रहते अपन, धर्म में पास होते रहते, लेकिन धर्म में सुपर नहीं बन पाते। क्या तीर्थंकर परमात्मा के शासन में अरिष्ट नेमी और भगवान पार्श्वन भगवान महावीर के शासन में इतने ही लोगों ने दीक्षा ली, इतने ही लोग मोक्ष में गए? 90 लोग ही मोक्ष में गए, फिर 90 की चर्चा क्यों है? यस, वो सुपर है। मोक्ष में तो बहुत गए, मुक्त की चर्चा आगम नहीं करता है, सुपर होकर के जो मुक्त गए उनकी चर्चा करता है। इसलिए अंतगढ़ केवल अंतगढ़ नहीं है, वो चैंपियन की चर्चा है, वो सुपर की चर्चा है। अंतर बहुत गहरा है। कोई पास हो जाता है तो उसको देख करके दूसरा पास नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति जब सुपर होकर के पास होता है तो कई लोगों को पास होने के रास्ते पर यू ही खींच के ले जाता है। इसलिए चैंपियन बनना चाहिए, सुपर बनना चाहिए। एक व्यक्ति सुपर बनता है तो न जाने कितने लोग पास हो जाते हैं। इसलिए अंतगढ़ की चर्चा नहीं, इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव की घृणा नहीं करने की जो थी क्वालिटी, वो सुपर क्वालिटी थी, एक्सट्रीम क्वालिटी थी। इतनी एक्सट्रीम क्वालिटी, इतनी एक्सट्रीम क्वालिटी कि उस मामले में वो चैंपियन बन चुके थे और देवलोक में चर्चा चले कि वासुदेव किसी की घृणा नहीं करते हैं, किसी परिस्थिति से घृणा नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं, किसी समय से घृणा नहीं करते हैं, किसी भाव की घृणा नहीं करते हैं। यदि वो घृणा करते तो दुर्योधन के पास नहीं जाते। वो घृणा करते तो कर्ण को मिलने के लिए नहीं जाते। मन में 1% भी निगेटिविटी होती तो वो राजदूत बन करके दुर्योधन को कन्विंस करने के लिए जाने का सवाल ही नहीं था। और बहुत बड़ी बात है, जिस दुर्योधन ने, जिस दुशासन ने द्रौपदी के साथ ऐसे ऐसे खेल खेले, पांडवों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, उनके साथ समझौता करने के लिए बात करने की मानसिक तैयारी, मैं चाहता हूं कि परिश्रम पर्व को अपन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। हम तो सबसे पहले कोई दरवाजे बंद करते हैं तो कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद करते हैं, और जिस पल समझौते के दरवाजे बंद हो जाते हैं संघर्ष का रेगिस्तान शुरू हो जाता है। क्या श्री कृष्ण को यह अनुमान नहीं था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है? इतना कॉमन सेंस तो श्री कृष्ण के पास होगा ही होगा कि जिसने इतनी लंबी सारी यात्रा घृणा में करी है वो व्यक्ति आज कोई प्रस्ताव, कोई संवाद, कोई समझौता करेगा। इसकी दूर दूर तक संभावना श्री कृष्ण को भी नजर नहीं आती थी। संभावना नजर न आने के बावजूद वो दुर्योधन से बात करने के लिए जाता है और दुर्योधन के साथ बात करते समय दुर्योधन का अपमान करते हुए बात नहीं करता है, उसको पूरा ऑनर देते हुए बात करता है। इन्हें समझौते के लिए गया था तो केवल ऊपर के मन से नहीं गया था,
अंतर्मन से गया था। जिस समय मन में घृणा नहीं होती तब तब समझो कि रास्ते पर खुलते हैं, और घृणा मन में हो तो समन्वय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और वासुदेव की इस बात की चर्चा देवलोक में, ये खुशबू वहां तक पहुंची है कि नहीं? जिनको प्रशंसा सुहाती है उनके जीवन से घृणा निकल जाती है, जिनको प्रशंसा सुहाती नहीं उनके जीवन में घृणा आए बिना रहती नहीं। अपनी प्रशंसा सुहानी अलग बात है, दूसरों की प्रशंसा और किसी की प्रशंसा सुहानी लग जाए तो जिंदगी में घृणा आने की संभावनाएं कम हो गई, समाप्त नहीं कह रहा मैं, कम हो गई। और यदि किसी की प्रशंसा नहीं सुहाती है तो घृणा तो मन में आनी ही आनी है, तुम चाहो नहीं चाहो घृणा आनी ही आनी है। इसलिए कहते कि जहां कोई अच्छाई देखो वहां प्रशंसा करते चलो। जितने तुम्हारे में अच्छाई की अनुमोदना के भाव जन्मते चले जाएंगे उतने तुम्हारे घृणा के नौकशाय से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो कोई व्यक्ति साधना करे, साधु बने, देवलोक में जाए और नीच कुल में जन्म ले, पॉसिबल नहीं। ओनली वन रीजन, कोई संयम में दोष नहीं लगाता है, कोई गुस्सा नहीं किया था, कोई अहंकार नहीं किया था, कोई माया नहीं करी थी, कोई लोभ नहीं करा था। हरि केशी ने पिछले जन्म में केवल घृणा करी थी, जुगुप्सा करी थी, और जुगुप्सा के कारण से अगले जन्म में जो शरीर मिला वहां तो उसने कपड़े की जुगुप्सा करी थी, यहां तो रूपड़ा ही जुगुप्सा का मिल गया है। इसलिए बहुत संभल करके रहना है। नाक बहुत सिकुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर तुम नाक बहुत सिकुड़ोगे वही नाम कर्म बन जाएगा। नाम कर्म के बंध के आधार पर संसार शुभ होना कि अशुभ होना चलता है। जिस अच्छाई की तुमने प्रशंसा करी उसका तुमने शुभ नाम कर्म बांध लिया, और जिसकी तुमने घृणा करी उसका अशुभ नाम कर्म बांध दिया। और कर्म कपड़े नहीं जानता है, ये मत सोचना कि मैंने कपड़े की करी तो कपड़े मुझे गंदे मिलेंगे, नहीं तो सारा ही गंदा हो जाए। शेख सादी हज की यात्रा पर जा रहे थे, बहुत सारा काफिला साथ में था, उनका परिवार साथ में लेकर के जा रहे थे वो। और सुबह की दुआ की नमाज के लिए उन्होंने अपने बेटे को उठाया, नमाज अदा कर, बेटे ने नमाज अदा करने के पहले जो लोग दुआ की नमाज की अनजान होने के बावजूद भी जो उठे नहीं थे उन लोगों को देख करके उसने पहले कमेंट्स करी, उनके धर्म देख करके एक नेगेटिव कमेंट्स करी, घृणा का भाव मन में लाया, ये लोग आए किस लिए हज की यात्रा के लिए, ये घर ही रह जाते तो अच्छा था ना, आए किस लिए, यदि नमाज भी अदा नहीं कर सकते तो आए किस लिए यहां पर। ये बात बेटे ने बोली और शेख सादी ने कहा तू भी सोया रहता तो अच्छा रहता है,
तो भी सोया रहता तो अच्छा रहता है। दुआ के पलों में तो बद्दुआ दे रहा है, तू भी सोया रहता तो अच्छा रहता है। क्योंकि आगे परिश्रम पर्व आ रहा है, कल से हम परिश्रम पर्व की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग होंगे जो तपस्या नहीं कर पाएंगे, कई लोग होंगे तपस्या कर लेंगे। तपस्या करने वालों ने तपस्या नहीं करने वालों के प्रति मन में क्या भाव लाने, ये भोजन का कीड़ा इतना नहीं छूटे इनसे। और ये भाव यदि तपस्या करने वाले के मन में आ गए तो तपस्या में कौन सा कषाय आ गया, ये जुगुप्सा का नौ कषाय आ गया। इसलिए आप पौषत करो, आप उपास करो, आप तेला करो, जो करना है करो, करना ही चाहिए। अपने से होता है तो करना ही चाहिए, जितना हो सकता है उसे मैक्सिमम करना चाहिए। उसमें कोई मैं आपको एक्सक्यूज लेने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन कोई नहीं कर रहा तो उसको समझ करके चलना है, उसको हिकरत की निगाहों से कभी मत देखना है। तपस्या करने वाले देख खाने वाले को न हिकरत की निगाह से देखता है तो उस तपस्या में जो धुआं तैयार होता है उससे उसके ही आंखों में जन्म जन्म में आंसू आते रहेंगे। मैं कहानी नहीं सुना रहा दूसरी, क्योंकि कहानी पर कहानियां चलेगी तो सारा प्रवचन उसी में चला जाएगा। केवल कहानी याद दिला रहा हूं मैं आपको, संवत्सरी की वो कहानी है, वो कर्कडुमणी संवत्सरी का उपास नहीं कर पाता है। और संघ में कोई मास खमन करने वाले हैं, कोई दो मास खमन करने वाले, कोई पंद्रह करने वाला, कोई अठाई करने वाला, कोई तेला करने वाला, बड़े बड़े मास खमन के तपस्वी बैठे हुए और वो एकासन नहीं कर पा रहा है। और वो तपस्वियों के पास जिस समय अपना प्रोटोकॉल निभाते हुए भक्ति पूर्वक जाता है कि मेरे पर कृपा करो, और उस समय वो तपस्या उस पर क्या करते हैं, जुगुप्सा। और वो जुगुप्सा को वो झेल गया, वो केवल ज्ञानी हो गया। उसने थूक की भी जुगुप्सा नहीं करी, उसके चावल में थूक दिया गया मैं याद कर रहा हूं अपने आप को, आप भी याद करो अपने आप को कि अपने जिंदगी में कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कोई अपने थाली में थूक दे, कितना गुस्सा आएगा। शायद उस पर गुस्सा नहीं कर पाए लेकिन थाली तो फेंके बिना नहीं रहेंगे। कई महापुरुष याद आ रहे हैं, बहुश्रुत तपस्वीरा श्री समृतमल जी महाराज साहब, जिन्होंने किचन में लंबे समय तक रह करके अपने गुरु की आराधना जुगुप्सा से मुक्त होकर के करी। मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन उनके सारे ज्ञान ध्यान से भी मुझे किसी बातों ने उनका फिदा कर दिया। तो एक प्रसंग ने